गाजीपुर पहुंचे समाज कल्याण व राज्य मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत के दौरान एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि एनडीए का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, जबकि इंडिया का उद्देश्य सिर्फ मोदी हटाओ है। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मोदी जी पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया के पास मोदी विरोध के अलावा कोई योजना ही नहीं है। आज देश की राजनीति वोट पर नहीं, काम पर आधारित है और पूरे देश की जनता समझदार है। असीम अरुण गाजीपुर में अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। विजय दिवस है और विजय दिवस क्योंकि एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। पाकिस्तान की बुरी आदत हमेशा रही है और वो उन्होंने फिर से चेष्टा की थी हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की। हमारी सेना ने, हमारे साथियों ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया और आज के दिन हम विजय दिवस मनाते हैं। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे गाजीपुर के 6 साथी 6 जवान इसमें शहीद हुए थे और अनगिनत साथियों ने इसमें अपना योगदान भी किया था, पुरस्कृत भी हुए, वीरता के पुरस्कार भी उनको मिले। तो उनके बलिदान और उनके योगदान को हम लोग याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसकी सराहना करते हैं और राष्ट्र को हमेशा और मजबूत करने के लिए सक्रिय। सर, एनडीए का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, यानी ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्य जिससे कि हर व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा पाए, गरीबी को हटा पाए। और इंडिया का एक ही उद्देश्य है कि मोदी हटाओ। तो जहाँ मोदी जी पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के पास कोई योजना नहीं है सिवाय मोदी जी का विरोध करना। ये भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, इसको देख रही है और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज पूरे देश की राजनीति वोट बैंक पर आधारित नहीं है, काम पर आधारित है। आज योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके काम को देखते हुए। यहीं गाजीपुर में जहाँ पे माफिया का राज हुआ करता था, आज यहाँ पे सुरक्षा का माहौल, एक्सप्रेसवे आ चुका है, इंडस्ट्री आ रही है, उसी के लिए हम लोग कौशल विकास करा रहे हैं बच्चों का। तो बिल्कुल व्यवस्था ही बदल चुकी है और बदली हुई व्यवस्था में, बदले हुए माहौल में आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए मजबूत हुआ है, गाजीपुर में भी मजबूत हुआ है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के आने से और मजबूती हम लोग मिली है। तो इंडिया और एनडीए का कोई तुलना नहीं है, एक विकास के लिए है, एक केवल विरोध के लिए।